वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज जो है मोटो वापस आ गई है 15 दिन बाद अपने घर से, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो यार। वैसे लग रहा था मोटो के बिना घर एकदम खाली खाली, अब मोटो के साथ जो है घर पूरा भरा भरा लग रहा है। मोटो ने अपने प्लान्स वगैरह बना लिए हैं। आज मोटो ने मुझे बोल दिया कि सुबह से ही आपको लग जाना है, फटाफट नहा के आओ और उसके बाद हमें बहुत जगह जाना है आज। तो पता नहीं मोटो आज कहाँ कहाँ पे लेके जाने वाली है हमें। शॉपिंग टाइम, बस वही है शॉपिंग टाइम, एवरी टाइम शॉपिंग यार, लड़के को यही होता है शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। कितने टाइम बाद शॉपिंग कर रहे हैं हम, सदर बाजार गए थे लास्ट टाइम, उसके बाद नहीं उतनी बार, कितनी बार हम हर जगह जाते हैं शॉपिंग ही करते हैं और क्या करते हैं गाइस। तो ठीक है अब हम स्टार्ट करते हैं आज का दिन अपना, हम रेडी होते हैं फटाफट, फिर उसके बाद जो है मोटो देखते हैं क्या क्या बोलती है, आज ये करना है वो करना है, बहुत सारी चीजें हैं, आज पूरा दिन इसमें निकल जाएगा। सो गाइस फाइनली वी आर रेडी, अब हम रेडी हो गए हैं, हम दोनों नहा धो के एकदम फर्स्ट क्लास एकदम तैयार हो गए हैं। अब हम जाते हैं बाहर, मोटो ने पता नहीं क्या क्या सोच रखा है, कह रही है अब जल्दी फटाफट चलो, टाइम नहीं है, लेट हो गया ऑलरेडी। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ वेदर तो काफ़ी सनी है आज, लग नहीं रहा कि सर्दियाँ हैं। हाँ लग नहीं रहा कि सर्दियाँ हैं, गर्मियाँ ऐसे लग रहा है कि गर्मियाँ आ गई हैं, तो वेदर भी के बाद गर्मियाँ शुरू हो ही जाती है। यस तो अभी मैं आपको वेदर भी दिखाता हूँ थोड़ा। गाइज देखो आप मज़ा आ रहा है यार, ऐसे लग रहा है अभी थोड़ी धूप इस टाइम पे तो अच्छी लग रही है क्योंकि थोड़ी बहुत सर्दी है अभी, बट लग नहीं रहा कि यार कि ये विंटर का सीजन है, विंटर का सीजन चल रहा है अभी ऐसा नहीं लग रहा। फाइनली हम जो निकल गए हैं घर से, अब हम जा रहे हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन पे, कहाँ पे? उत्सव। तो हम जा रहे हैं अभी उत्सव कलेक्शन पे, उत्सव इज़ बेसिकली अ गारमेंट शॉप, लेडीज़ गारमेंट शॉप। तो वहाँ पे मम्मी मोटो अपने लिए कपड़े लेंगे और पापा और मैं बस उनको थोड़ा गाइड करेंगे और उनको सजेशन देंगे। तो लेट्स गो, हम लेंगे लेफ्ट टर्न और लेफ्ट टर्न के 100 मीटर बाद आ जाएगा हमारा उत्सव, द मोस्ट फेवरेट गारमेंट शॉप। यहाँ पर दीपमाला भी है, नारी भी है, ओढ़नी भी है, श्रीराम ज्वेलर्स है, सारी मतलब गारमेंट्स की लाइन, लेडीज ज्यादातर, लेडीज पूरी लेडीज की है ये, सारे गारमेंट्स कलेक्शन है। एंड दिस इज उत्सव, अभी हम पहुंच गए हैं उत्सव। गाइस फाइनली जो है हम उत्सव पहुंच गए हैं, आपको दिख रहा होगा पीछे उत्सव की शॉप है और ये काफ़ी अच्छी शॉप है गारमेंट्स, लेडीज़ गारमेंट। सो गाइस अब हम बैठ गए हैं और मम्मी मोटो शॉपिंग कर रही है, पापा उस साइड बैठे हैं, मैं इस साइड बैठा हूँ, अंदर है सब में लग जाएगी। तो मोटो की कलेक्शन देख रही है, एक मिलियन ही बनाएगा। तो मोटो और मम्मी को ये डिजाइन पसंद आया है, गाउन है ना मोटो, ये गाउन है। ये अच्छा लग रहा है, इसी का पीस है जो मैंने देखा आपने, इसी का पीस है जो देखा आपने, ये वाला लगा हुआ है उधर, ना इसी का कलर है, ठीक है ₹3,500
ये किस रेंज में? 64 ये आपका 6445 कितना? 64 रुपये 45 वैसे अच्छा तो लग रहा है ये, है ना? इसको साइड कर दो और ये पर्पल वाला साइड कर दो। तो मोटो ने चूज कर लिए एक पर्पल और एक रानी कलर, है ना मोटो? ये भी अच्छा लग रहा है मोटो, ये ज्यादा कलर अच्छा लग रहा है सब। पर तुम पे ना डार्क कलर ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा लग रहा है, रेडी हो जाएगा डिजाइन। यहाँ से कम करेंगे हम, अच्छा। नीचे का एज इट इज रहेगा, वो नहीं कटेगा, बस हो जाएगा, हो जाएगा, नो इश्यूज। बाकी अंदर मार्जिन भी रहेगा जी। मम्मी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मम्मी कह रही है सौम्या बताएगी। ये आपसे थोड़ा राय लेने जा रहे हैं ना। और एक पीस तो ये भी, एक ये लगा लो, दो तीन दिखाएंगे। इसके कलर है, इसके कलर ये आप ऑफिस में भी डाल के जा सकते हो। हमें ये लाइट वेट है, आराम से कैरी करने वाला बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छा लगेगा। पार्टी में भी डाल के आराम से सुन रहे हैं। स्टोन में चीज स्टोन भी है। हां पापा, हां ठीक लग रहा है, चलो मम्मी का भी फाइनलाइज हो गया। मोटो का साइज ना बजा रहा है अब। मोटो किस ओकेजन के लिए रेडी हो रही हो? सीक्रेट है, ओके। अब मोटो क्या कर रही है? मोटो ने अपने लिए तो ले लिया, मम्मी के लिए भी ले लिया, अब ले रही है सिस्टर्स के लिए, मेरी सिस्टर इन लॉस के लिए अब मोटो दे रही है। चलो मोटो कंटिन्यू। कलेक्शंस तो काफी अच्छी है गाइज इनके पास। ब्लू, ये सारे गाउन्स है। ये सारे गाउन्स है गाइज, कलेक्शंस तो काफी सारे हैं गाइज इनके पास, नो डाउट। वैरायटी आपको काफी मिल जाएगी इधर, ब्राइडल के लिए भी और नॉर्मल डेली यूज के लिए भी। यू कैन गाइज, सही बात बताऊं बहुत मुश्किल है यार लड़कियों के साथ आना शॉपिंग के लिए, और स्पेशली जब वो कपड़े लेने के लिए आ रहे हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको चॉइस करना और समझना, फिर उसके बाद रेट का तोल भाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए तो आराम से टाइम निकाल के आओ, जब बंदा फुर्सत में फ्री हो, कोई कुछ काम नहीं करना हो, तब आराम से बैठ रहो और देखते रहो, वरना तो बहुत मुश्किल है। The most loved piece by me today. बहुत प्यारा पीस है, इसका रानी कलर तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, मैंने देखा।
सो गाइज अब फाइनल सूट परचेज किया जा रहा है। पंडिताइन के लिए लिया जा रहा है मोटो। फाइनली मम्मी और मोटो की शॉपिंग हो गई है उत्सव से सामान ले लिया है मोटो और मम्मी ने, और अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट परचेजिंग के लिए। अब कहाँ जाना है देखते हैं, अंदर चल के हैं सदर मार्केट के अंदर ही जाना है। हमारा पहला ब्लॉग जो था अब हम सदर मार्केट के अंदर जाएंगे, उसके साइड में ही उत्सव का है। उत्सव काफ़ी अच्छा स्टोर है, आराम से पतली गलियाँ हैं, रिक्शे वाले आ रहे हैं। मोटो मम्मी एक बार यहाँ पे टॉयज देख ले, टॉयज बच्चों के लिए टॉयज देख लेते हैं। गाइज अब हम एंटर हुए हैं टॉय शॉप में, अब मोटो ले रही है बच्चे के टॉयज। खोल के तो नहीं देखे जाएंगे, नहीं उसमें लिखा हुआ है सब कुछ। कैसे करते हैं ये, क्या है जू एनिमल है, सब कुछ दिया हुआ है पीछे तल्ली वो सब करने के लिए। देख लो मोटो, आपको पता है ज्यादा इसके बारे में, देखो गाड़ी है। हाँ गाड़ी है, मैकेनिक वाले सेट मिल जाएगा आपको, तो ये तो खुशी कर पाएगी। थोड़ा इससे इजी में हो लड़के के लिए, फिर ये वाली है सब, यही अभी नहीं आया था, ये तो बहुत ज्यादा चलता है, लिखा था 5+। अब हम मेन सदर बाजार में एंटर हो गए हैं। दोबारा से देखो कितना क्राउड है यार, संडे वाले दिन तो बहुत मुश्किल हो जाता है यार। संडे वाले दिन कोई कोरोना नहीं है। अरे यहाँ से तो हमने अचार लिया था ना मोटो, बाकी एंड में है, मम्मी पहले कुछ ले लेते हैं फिर वापस आना पड़ेगा। करा लो, आपको 150 कम कर देते हैं जी, आपको महंगा पड़ेगा। So guys, if you remember, ये डॉगी ये अभी भी यहीं पे ही सो रहा है, हमारे पहले व्लॉग में भी यहीं सो रहा था। पापा को सही है एकदम, सही अच्छा लग रहा है। देख लो शीशे मार के, साइज आपको टाइट तो नहीं लग रहा? नहीं, इनर भी उतार के तो ठीक हो जाएगा। वैसे तो ठीक है, वो भी आ गया, जैकेट भी आ गई, जैकेट भी आ गई। संडे के दिन तो पूछो मत, बहुत भीड़ होती है। गाइस फाइनली जो है पूरा दिन हमारा ख़त्म हो गया, अब हम आए हैं हरीश बेकरी पे। लंच बोल लो या डिनर बोल लो, लंच डिनर एक ही है। तो ये रहा हमारा लंच और डिनर, ये रहा छोले भटूरे, मैं तो दही बल्ले खा रहा हूँ, मोटो के लिए भी प्लेटर्स आ रहा है। फाइनली जो है हम घर पहुँच गए हैं। थका देती है यार मोटो ना, छुट्टी वाले दिन तो पूछो मत, इतना थका देती है। और पता नहीं क्या क्या लेके आ जाते हैं, हमें खुद ही समझ में नहीं आता क्या क्या लेके आ जाते हैं हम, बस आ जाते हैं, सुबह जाते हैं और रात को सीधा घर आते हैं। तो भाई ये सारे गिफ्ट हैं जो भी मोटो लेके आई है। अभी जो सामान है हम सेट करते हैं, फिर सेट करने के बाद हम सो जाएंगे क्योंकि काफ़ी थक गए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज। सो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड जितना मर्जी हो सके शेयर कीजिएगा। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच।